सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होंडा लीवो के बारे में, क्योंकि लीवो जो है बहुत ही एक अच्छा बाइक है और इसका जो है प्राइस भी है बहुत ही कम है। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस बाइक में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, यह बाइक को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और इस बाइक का प्राइस क्या है। तो फिलहाल जो है अब ये बाइक का जो है कलर आप देख सकते हो, ये जो है ब्लू कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा फिलहाल, और येलो व्हील के साथ ये बाइक आ रहा है। तो इसका जो है फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है और कलर और ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छा है। पहले हम लोग इस बाइक का फ्रंट से शुरू करते हैं। तो भाइजर में आप देख सकते हो ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया गया है, और जो है इधर आप देख सकते हो जो है दोनों जो है टर्न इंडिकेटर है ये हेलोजन बल्ब के साथ है। इस बाइक में जो है कोई भी LED का फीचर्स नहीं दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस बाइक में अभी दे रहा है फिलहाल, और इसमें जो है रिफ्लेक्टर अभी देख सकते हो, और इस बाइक में जो है डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में जो है ट्यूबलेस टायर इधर प्रोवाइड किया जा रहा है, और ट्यूबलेस टायर के साथ इसका जो है 80x100 का इसमें टायर प्रोवाइड किया जा रहा है, और 18 इंच का इसमें व्हील प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस बाइक में जो है 18 इंच का व्हील मिल रहा है। सो इस बाइक का जो है इंजन आप देख सकते हो फुल्ली ब्लैक कलर में अभी इंजन इसमें देखने को मिल जाएगा, और कैटलेटिक कन्वर्टर इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। इंजन जो है 110cc का इसमें इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो है इसका कलर आप देख सकते हो ये ब्लू व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है। और इस वाले जो पार्ट आप देख सकते हो जिधर लीवो लिखा गया है, इधर देख सकते हो कार्बन फिनिशिंग के साथ इधर आपको मिल जाता है। और इस बाइक में जो है आप देख सकते हो कि इधर जो है आपको एक किक स्टार्ट का भी फंक्शन दिया गया है। तो इस बाइक में जो है आपको एक छोटा सा एक स्मॉल सा साइलेंसर इधर प्रोवाइड किया जा रहा है। और हम लोग थोड़ा सा अभी बैक साइड में चलते हैं। इस बाइक का जो है टेल लाइट है ये हेलोजन बल्ब के साथ मिल रहा है, और फिलहाल जो है आप इधर देख सकते हो इसका जो है हैंड ग्रैब रेल है ये जो है आपको बहुत ही एक स्टाइलिश लुक्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसका जो सीट है थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीट का जो कुशनिंग है वो थोड़ा सा आपको हार्ड मिल जाएगा, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो फिलहाल, मतलब एक अच्छा खासा ही मिलने वाला है। ये बाइक जो है अभी साइलेंट स्टार्ट में मिल रहा है फिलहाल, और इस बाइक में आप देख सकते हो कि कोई जो है सेल्फ मोटर नहीं है, तो इसमें जो है आपको साइलेंट स्टार्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बाइक का जो है लेफ्ट हैंडल बार आप देख सकते हो कि जो है इधर आपको टर्न इंडिकेटर का स्विच और जो है हॉर्न का स्विच इधर मिल जाता है। अब ये जो हाई बीम और लो बीम का स्विच मिलता है, लेकिन पासिंग का स्विच नहीं मिलता है इस बाइक में। तो राइट हैंडल बार में आप देख सकते हो कि जो है ये इंजन किलिंग का स्विच और सेल्फ स्टार्ट का स्विच इस एक की स्विच में आपको मिल जाता है फिलहाल। और इधर आप देख सकते हो कि इसका जो मीटर कंसोल, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि मीटर कंसोल आप देख सकते हो इधर जो है एक स्पीडोमीटर जो है ये एनालॉग मीटर कंसोल दिया जा रहा है, और डिजिटल मीटर कंसोल में आपको जो है इधर और भी बहुत सारा चीज़ शो करेगा। लेकिन इसमें जो है बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स भी आपको दिया जा रहा है। और बाइक का जो प्राइस है ये आपको 97,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस इस शोरूम का देखने को मिल जाएगा, और 97,000 रुपीज़ में जो है ये बाइक बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। फिलहाल जो है बाइक आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलिए गाइस, और एक वीडियो पर मिलते हैं और एक नया बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।